साथ माफियाओं को लेकर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गृह विभाग ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान बताया गया कि अब तक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2081 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ अब पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध अब खत्म हो चुका है। अवैध रूप से अर्जित की गई 2081 करोड़ की संपत्ति अब जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ में और सख्त जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होने वाली है और बहुत अच्छा प्रदर्शन था। आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि बहुत बेहतर पुलिसिंग उत्तर प्रदेश की रहेगी। ऐसे कह दी, जब जेल से बाहर जाए, चार दीवार से बाहर जाए तो वो एक बेहतर इंसान बन के जाए। आगे भी माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम योगी बोले कि प्रदेश की 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हमारी पुलिस 24/7 मुस्तैद रहेगी। गृह विभाग ने बनाया प्लान, 100 दिनों में एसटीएफ अयोध्या यूनिट का गठन। जालौन, मिर्जापुर, बलरामपुर में महिला पीएसी बटालियन। स्पॉट की नई टीम के दक्ष कार्मिकों का चयन। महिला बीट सिपाही को मिलेगी स्कूटी। सिर्फ इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए 18 टीमों का गठन कर 18 हफ्ते के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आगामी 100 दिनों में अयोध्या जनपद में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई गठित की जाएगी। यूपी के 112 रिस्पांस टाइम को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के प्रयास किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और